बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मिस मिली ओमी क्लिनिक से बड़ाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। अभी ये पार्ट टू है पिछली वीडियो का, जो हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे जो है वो हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने 10 पॉइंट आपसे शेयर किए थे। अभी 11 से 20 तक जो है हम इस पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 11 है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गए हैं और इंसान जो है उसकी जो टेस्टीज हैं वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, उनके साइज़ जो है वो कम हो गए, और उसकी जो जेनिटल्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, वो बिल्कुल सर्द हैं। तो एज अ टॉनिक के तौर पे होम्योपैथिक जो मेडिसिन सेबल से रिलोटा है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकती है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पॉइंट नंबर 12, और उसके साथ जो है वो आपको एक टॉनिक के तौर पे दूसरी मेडिसिन चाहिए जो आपके हारमोन्स को भी बेहतर करे, तो उसकी वो मेडिसिन दैट इज़ डामियाना मदर टिंचर। पॉइंट नंबर 13 जो है वो ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसकी वजह डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जिस्म की सर्दी की बात हो रही है, तो उसके साथ अगर है तो फिर मास्कस जो है वो मदर टिंचर है, या जटाने के तौर पे काम करेगी। लेकिन कुछ लोगों को एक थोड़ी सी गलतफहमी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सस्ती है, तो ये अकेली मेडिसिन जो है वो 30 ml जो है वो 50,000 से ऊपर की है। तो ये चूँकि बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तो ये भी बात जहन में रखें, ये इतने आसान बात भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ही आती है, वो बनती भी एक्सपेंसिव ही है। अच्छा, ये कस्तूरी से बनती है, मास्कस है ये। पॉइंट नंबर 14 कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और जो गनोरिया है ये सुजाक के वो दब जाने के बाद हुआ है, तो क्लेडियम जो है 1000 ताकत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 जो है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और बिल्कुल ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है, तो लाइकोपोडियम जो है आप उसको ज़रूर कंसिडर करें। पॉइंट नंबर 16 ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और इतना ज़्यादा है कि इवन की नई नई शादी हुई है और उसके बावजूद भी जो है वो बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं है, तो एग्नस कास्टस जो है वो इस्तेमाल करें आप 30 से ऊपर 1000 तक। पॉइंट नंबर 17 ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल डिज़ायर है बिल्कुल कम है, यानी लॉस ऑफ लिबिडो जो है, और जो इस्तादगी है यानी कि जब इंसान एक एक्ट करता है तो वो बिल्कुल अधूरी रहती है, यानी पहले ठीक और उसके बाद ख़त्म, और जो मेल जेनिटल है वो बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, तो ओनसमोडियम होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है सीएम में, ये बड़े कमाल की असर दिखाती है, लेकिन किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करें, खुद ना शुरू हो जाए। पॉइंट नंबर 18 जो है वो जो है कि अगर नंबरदी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसकी वजह नफसियाती या खुद इतमादी की कमी है, इंसान बिल्कुल ठीक है लेकिन साइकोलॉजिकली वो समझते हैं कि वो कोई एक्ट जो है वो नहीं कर सकता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, तो उसमें एनाकार्डियम जो है वो कमाल का असर रखती है, और ये सीएम में, क्योंकि एनाकार्डियम जो है वो डबल माइंडेड जो लोग होते हैं ना उनको ठीक कर देती है और कॉन्फिडेंस लेके आती है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 19 जो है वो ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और जो जिंसी अज़ा हैं वो सर्द हैं और जो स्पर्म है वो बिल्कुल थिन है और यानी बगैर भूख है, तो उसमें सिलीनियम जो है सीएम जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है यानी नमर्दी है और उसकी वजह जो है वो टोबैको है, तंबाकू नशी है, तो लाइकोपोडियम 200 में इस्तेमाल करें या क्लेडियम जो है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्ट दिखाती है। तो ये 20 पॉइंट अभी हो गए हैं 11 से 20 तक, ये दूसरी वीडियो में हमने शेयर किए हैं। इसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी ना, हम उसमें अगले जो पॉइंट हैं 21 से लेकर 30 तक जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो आप जो है वो इसके साथ बने रहिए, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि इशू को हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।